द चैनल बीएड करिकुलम। आज का टॉपिक है हमारा पेपर सेकंड में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। इसके अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझेंगे और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है इसमें शैक्षिक निहितार्थ क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो इस जो है सिद्धांत को पढ़ने का हमारा उद्देश्य होगा कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बारे में हम जान सकेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं या इसके लिए लर्निंग कैसे होती है उनके सिद्धांतों के बारे में हम जान पाएंगे और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और इसके शैक्षिक निहितार्थ से हम परिचित हो सकेंगे। अधिगम के कुट लेविन के सिद्धांत के बारे में जान सकेंगे। तो ये सारे जो है उद्देश्य हैं। इसके बाद संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत क्या होता है तो इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया गया है, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट। तो जितने भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने एक अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है जिसको गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्ण क्रांति या पूर्णाकार। तो जो चीज़ अपने आप में पूरी होगी उसको गेस्टाल्ट कहा जाएगा। ये जर्मन का शब्द है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार एक गेस्टाल्ट या आकृति पूर्ण होती है। तो गेस्टाल्टवादियों का यह कहना था कि गेस्टाल्ट आकृति जो होती है वह पूर्ण होती है अपने आप में। इसकी विशिष्टताएं पूर्णता की आंतरिक प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं, ना केवल उसके व्यक्तित्व तत्वों की विशेषताओं के द्वारा। तो इसकी जो विशिष्टताएं हैं वो किसी भी वस्तु की आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ना कि उसके व्यक्तित्व तत्वों के द्वारा। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में तीन नाम आते हैं जिसमें मैक्स वर्डिमर और वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोल्फा का नाम जो है काफ़ी प्रचलित है। ये सारे गेस्टाल्ट मनोविज्ञानवादी हैं। इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सोच के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वर्डिमर कोहलर और कोफ्का ने, इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत सोच का सिद्धांत कहा जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रूप में देखता है। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना था, वर्डिमर और कोहलर कोफ्का इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि व्यक्ति जब किसी स्थिति में होता है तो उस स्थिति को वो पूर्णाकार में देखता है, संपूर्ण स्थिति को वो देखता है। जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित कर नहीं सीखता है, वरन वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है। तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का कहना था, वर्डिमर कोहलर कोफ्का का, कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में होता है वह सिर्फ उद्दीपक को नहीं देखता है, सिर्फ उद्दीपक के साथ अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि वह संपूर्ण जो है परिस्थिति को देखता है, संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर तब उसका को जो है हल निकालता है। प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि या खुद सोच के द्वारा खोजता है। तो प्राणी जब समस्या में होता है तब वह उसका सॉल्यूशन जो करता है, उस समस्या का जब समाधान करता है, वो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा या अपनी सोच के द्वारा उसका समाधान करता है। तो सोच से तात्पर्य किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को देखने अथवा परिस्थिति के केंद्रीय भाव को समझ लेने से है। सोच का मतलब होता है कि अगर हम किसी परिस्थिति में हैं तो उसके विभिन्न पक्षों, उसके सारे ही पक्षों के बीच में संबंध देखें और उसकी परिस्थिति का केंद्रीय भाव क्या है, मतलब वह परिस्थिति क्या कह रही है, इसके बारे में समझना है। सूझ प्रायः अचानक या स्वतः स्फूर्त ढंग से होती है। तो हमारी जो सूझ आती है, हमें जो अंतर्दृष्टि आती है वह अचानक आती है और स्वतः आती है। इसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता मनुष्य को नहीं होती है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने की अथवा पुराने सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि हम जब नई सोच की क्षमता को विकसित करते हैं या पुराने सोच में किसी भी तरह का सुधार करते हैं तो इस प्रक्रिया को सीखना या अधिगम कहा जाता है।
इसके अंतर्गत प्राणी संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के प्रति अनुक्रिया करता है। तो सूझ में व्यक्ति जो है वो संपूर्ण परिस्थिति को देखता है, प्रत्यक्षीकरण उसका करता है, तब वह प्रतिक्रिया करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सूझ की प्रक्रिया को किसी परिस्थिति में आए परिवर्तनों अथवा घटित घटनाओं को ऐसे क्रमबद्ध या तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए रूप में स्वीकार किया है जिससे परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संरचनागत संबंध ज्ञात हो सके। तो गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि सूझ की जो विभिन्न परिस्थितियां होती हैं उसमें घटित होने वाले परिवर्तन हैं तो उनके बीच में ऐसा संबंध बनाना चाहिए कि एक संरचना उससे बन जाए। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार यह कहा गया है, वर्दिमर कोहलर कोफ्का का यह कहना है कि हम अव्ययी यानी कि होल से अवयव पार्ट की ओर जाते हैं और अवयव से अवयवी की ओर नहीं जाते हैं, यानी कि पार्ट से होल की ओर नहीं जाते हैं हम, बल्कि होल से पूरी सिचुएशन से हम एक किसी पार्ट तक जाते हैं, किसी एक समाधान तक जाते हैं, उस जो है अपनी समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो होल वो है जब हम पूरी समस्या के लिए हर एक परिस्थिति को देख रहे हैं, लेकिन जब हम समस्या का समाधान निकाल लेते हैं तो उसको हम एक पार्ट कहते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण परिस्थिति का एक निवारण होता है। अब समझेंगे अंतर्दृष्टि का ये जो सूझ का अधिगम का सिद्धांत है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है प्रेग्नोस का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेग्नोस। तो गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत प्रेग्नोस का सिद्धांत है जिसके अनुसार हम अपने अनुभवों को नियमित, क्रमिक या सममित या सरल रूप से व्यवस्थित करते हैं। तो प्रेग्नोस का सिद्धांत यह कहता है इसमें हम अपने अनुभवों को नियमित रूप से, क्रमित रूप से, सममित रूप से या सरल रूप में व्यवस्थित करते हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करते हैं। इस मौलिक सिद्धांत के नियम के आधार पर गेस्टाल्टवादियों ने कुछ नियम दिए हैं जिनमें सबसे पहला नियम है समाप्ति या समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर। तो इस नियम के अनुसार मस्तिष्क नियमितता में वृद्धि होती है और नियमित आकृति जो है वो मस्तिष्क की बढ़ती जाती है, उसके अवयव और उसके जो अनुभव होते हैं उनमें इंसान जो है अपने इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है। फिर समानता का नियम है तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इस नियम के अनुसार मस्तिष्क रूप या रंग आकार के आधार पर समान तत्वों को संपूर्णता या संपूर्ण रूप में व्यवस्थित कर सकता है। तो जो चीज़ें सिमिलर होंगी उनको एक जगह पे व्यवस्थित कर दिया जाता है। समीपता का नियम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो मस्तिष्क स्थानीय या कालिक समीपता के आधार पर विभिन्न तत्वों को संपूर्ण रूप या आकृति में प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। तो समीपता का नियम वह नियम है जिसमें जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं वहाँ पे आपको कोई भी स्थानीय घटना याद आती है कि आप यहाँ गए थे तो ऐसा हुआ था, या कोई टाइम से रिलेटेड घटना याद आती है तो उसको समीपता का नियम कहा जाता है। इसके बाद है सममितता का नियम, तो लॉ ऑफ सिमेट्री। इसे आकृति या आधार संबंध का नियम भी कहते हैं। तो समीपता का नियम को आकृति या आधार का आधार संबंध का नियम भी कहा जाता है। सममितता आकृति या प्रतिबिंब दूर दूर होने के बावजूद भी संपूर्ण रूप में दिखती है। तो जब प्रतिबिंब या कोई आकृति दूर दूर होकर भी एक संपूर्ण रूप में दिखती है तो उसको लॉ ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। निरंतरता का नियम फिर आया, तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। मस्तिष्क दृश्य, श्रव्य या गतकीय प्रतिरूपों को निरंतर बनाए रखता है। मतलब हमारा जो दिमाग है वो कुछ न कुछ देखने में, कुछ न कुछ सुनने में या गतकीय रूपों में निरंतर लगा रहता है। सामान्य भाग या परिणाम का नियम, मस्तिष्क एक ही दिशा में घूमते हुए तत्वों को संपूर्ण रूप में या इकाई के रूप में देखता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी भी दिशा में एक ही तत्व के संपूर्ण रूप को देखता है या उसकी एक इकाई को देखता है। इसमें ये जो प्रेग्नोस का नियम था उससे गेस्टाल्टवादियों ने ये सारे नियम दिए हैं,
इसके बाद इसमें दूसरा नियम आता है संपूर्णता का नियम, लॉ ऑफ टोटलिटी। तो मस्तिष्क सचेतन अनुभवों को तत्वों या टुकड़ों में ना लेकर बल्कि एक संपूर्ण रूप में उसको देखता है। हमारा जो मस्तिष्क है वो किसी भी चीज़ को टुकड़ों में नहीं देखता है बल्कि उसका समगन या संपूर्ण रूप में उसे देखता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसमें प्रत्येक तत्व अनुभव संपूर्ण अनुभव में अर्थपूर्ण या नवीन ढंग से संबंधित रहता है। तो उससे जो है हमारा दिमाग नवीन ढंग से किसी भी अर्थपूर्ण या अनुभव को फिर निकाल लेता है या उसके बीच में संबंध बिठा लेता है। तीसरा नियम आता है मनोभौतिक समरूपता का नियम सिद्धांत। तो मनोभौतिक समरूपता का सिद्धांत आया। इस सिद्धांत के अनुसार सचेतन अनुभव तथा मस्तिष्क क्रियाओं के बीच में सहसंबंध पाया गया। तो हमारे जो सचेतन अनुभव थे और हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती हैं उनके बीच में सहसंबंध बिठाया गया मनोभौतिक समरूपता के सिद्धांत में। अब हम बात करेंगे कि कोहलर के प्रयोग जो थे वो क्या थे, कोहलर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कोहलर के प्रयोगों द्वारा उनके सूझ के सिद्धांत को समझा जा सकता है। कोहलर के द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया है, अनेक प्रकार के चिंपैंजियों पर इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें इन्होंने 4 प्रयोग किए हैं। तो कोहलर ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया है और इनके 4 प्रयोग हैं। इनके चिंपैंजी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। तो इनके पहले प्रयोग के बारे में बात करेंगे। इस प्रयोग में एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था, ये याद रखिएगा। एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था सुल्तान को। पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी रख दी गई थी। तो पिंजरा बाहर से बंद था लेकिन उसके अंदर एक छोटी छड़ी थी। पिंजरे के बाहर कुछ केले लटका दिए गए थे। केला देखकर सुल्तान पिंजरे के अंदर उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु केला उसकी पहुंच से बाहर था क्योंकि केला ऊपर लटका हुआ था तो वहां पे जो है सुल्तान नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक वह उठा और छड़ी की मदद से केलों के पिंजरे के पास खींच लिया। तो अचानक से सुल्तान उठता है और वह छड़ी की सहायता से केले को पिंजरे के अंदर खींच लेता है, पिंजरे के पास ले आता है। केले प्राप्त करने में सफल हो गया। तो इस तरह से सुल्तान जो था वो केला प्राप्त करने के लिए सफल हो गया था। सुल्तान को केले व छड़ी के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सूझ मिल गई थी। तो सुल्तान ने पूरी ही जो है सिचुएशन को देखा, उसने संपूर्ण परिस्थिति को देखा कि वहाँ पे क्या है उस जो है पिंजरे के अंदर। तो उसे एक छड़ी दिखाई देती है। तो सुल्तान ने छड़ी और केले के बीच में संबंध स्थापित कर लिया था कि अगर मैं छड़ी से ये केला इधर लाता हूँ तो ये पिंजरे के पास आ जाएगा। तो उसे इस तरह से केला प्राप्त हो जाता है और सुल्तान केले और छड़ी के बीच में संबंध स्थापित कर लेता है अपनी सोच की सहायता से। तो ये जो है चित्र है इनके पूरे प्रयोग का कि यहाँ पे केले देखिए आप लटके हुए हैं और सुल्तान उन्हें नहीं पा पाता है। फिर वो कुछ बॉक्सेस को लाता है वहाँ पे, तो बॉक्सेस की सहायता से केला लेने की कोशिश करता है, फिर भी वह नहीं पहुँच पाता है। तब वो छड़ी देखता है, तो छड़ी की सहायता से वह केले को पिंजरे के पास ला सकता है। ये पूरा इनके सिद्धांत का चित्र है। अब कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया कि एक दूसरे प्रयोग में पिंजरे के अंदर 2 छड़ी रख दी थी उन्होंने, जिसे एक दूसरे से जोड़ रखा था, जो है एक छड़ी जो है दूसरे छड़ी से जोड़ दी गई थी, तब उसको पिंजरे के अंदर रखा गया था। पिंजरे के बाहर पहले प्रयोग की तुलना में कुछ ज़्यादा दूरी पर केले रख दिए गए थे। तो पहले प्रयोग में उन्होंने जो केला रखा था उससे दूरी बढ़ा दी थी दूसरे प्रयोग में उन्होंने, जिन्हें दोनों छड़ी की सहायता से पिंजरे के अंदर खींचा जा सकता था। तो अगर सुल्तान दोनों ही छड़ी की सहायता लेता तो उन पिंजरों को पा सकता था वह। तो सुल्तान ने पहले एक छड़ी की सहायता से बारी बारी से केलों को खींचने का प्रयास किया था, परंतु वह
असफल रहा इसमें, क्योंकि एक छड़ी से उन केलों को पा पाना नामुमकिन था। अचानक वह दोनों छड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने में सफल होता है और इस संयुक्त छड़ी से वह की सहायता से वह केलों को पिंजरे के अंदर खींच लाने में भी सफल हो जाता है। तो जब सुल्तान दोनों छड़ी को संयुक्त रूप से करके तब केला खींचने की कोशिश करता है तो वो केले को पिंजरे के पास लाने में सफल हो जाता है। तो यहाँ पे भी सुल्तान ने केले और छड़ी के बीच में अपनी सूझ के द्वारा संबंध स्थापित कर लिया था। अब फिर से कोहलर ने तीसरा प्रयोग किया, तो प्रयोग नंबर थर्ड है ये। इस प्रयोग में प्रायोगिक परिस्थिति में कुछ परिवर्तन कर दिया गया था। तो ये जो प्रयोग था तीसरा प्रयोग, इसमें कुछ परिवर्तन था स्थिति में। तो केलों को पिंजरे की छत से टांग दिया गया था। इसमें केला पिंजरे के बाहर ना होकर बल्कि उसकी छत पे लटका हुआ था, पिंजरे की छत पे था, जिसके अंदर सुल्तान बंद किया गया था। एक बक्सा रख दिया गया था वहाँ पे। तो सुल्तान ने पहले उछल कर केले प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु वह केले प्राप्त करने में असफल रहा। तो सुल्तान जब उछल कर उन केलों को प्राप्त करने की कोशिश किया तब वह असफल रहा। अचानक से उसने बक्से को केले के नीचे रख दिया और बक्से के ऊपर चढ़कर वह केला प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो जब सुल्तान बक्से पर चढ़कर केला प्राप्त करता है तो वह केला पाने में सफल हो गया था। इस तरह से सुल्तान ने सूझ की सहायता से केलों और बक्सों के बीच में संबंध स्थापित कर लिया था। तो अब सुल्तान को ये पता था कि केला चाहे जहाँ भी रखा जाए उसको पूरी परिस्थिति को देखकर अपनी सूझ लगा देनी है कि वहाँ पर जो चीज़ होगी और उसके बीच में केले के बीच में वह संबंध स्थापित कर लेता था। तो जब उसको पिंजरे में बंद किया गया और केला जो है पिंजरे की छत पे लटकाया गया, वहाँ पे एक बॉक्स था, तो सुल्तान जो है बॉक्स को लाकर तब पिंजरे में जो केला लटका था उसे पाने में वह सफल हो जाता है। तो इस तरह से सुल्तान ने पिंजरे में जो केला था उसके बीच में और बक्से के बीच में संबंध स्थापित कर लिया था यहाँ पे। अब आता है कोहलर का चौथा प्रयोग, प्रयोग नंबर फोर। तो इस प्रयोग में कोहलर ने पिंजरे के अंदर एक ही जगह दो बक्से रख दिए थे। सुल्तान को दोनों बक्सों की सहायता से केले को प्राप्त करना था, क्योंकि इस प्रयोग में केला प्रयोग नंबर थर्ड की तुलना में अधिक ऊंचाई पर टांग दिया गया था। कुछ देर की असफलता उछल कूद करने के बाद अचानक सुल्तान ने बक्से को एक दूसरे के ऊपर रखा और उस पर चढ़कर वह केला को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो प्रयोग चार में भी सुल्तान केले और बक्से के बीच में संबंध स्थापित करने में सफल रहता है अपनी सूझ के द्वारा। तो इस तरह से ये पूरा चित्र है कि पहले उसे छड़ी के द्वारा केला प्राप्त किया, फिर उसने जो है दोनों छड़ी को जोड़कर तब केला प्राप्त किया, फिर उसने एक बक्से के द्वारा केला प्राप्त किया सुल्तान ने, फिर दोनों बक्सों को रखकर सुल्तान केला प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो सुल्तान हर एक परिस्थिति में संपूर्ण परिस्थिति को देखकर उसके बीच में और केले के बीच में कहीं ना कहीं से अपनी सोच के द्वारा संबंध स्थापित कर ले रहा था। तो कोहलर ने इन चार प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि सूझ उत्पन्न होने के लिए समस्या के विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध स्थापित करना चाहिए। तो सूझ हमारी तभी आ पाएगी जब हम समस्या के तत्वों के बीच में और उसके समाधान के बीच में संपूर्ण परिस्थिति के बीच में एक संबंध स्थापित कर पाएँ। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि शुरुआत में समस्या के समाधान हेतु प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग किया गया। तो बार बार सुल्तान प्रयास करता था और उससे गलती हो जाने पर वह फिर प्रयास करता था, जिसमें असफल होने पर उसकी सूझ ने वह जो है लास्ट में सूझ का उपयोग करता है। परंतु एक बार सूझ सिद्धांत का उपयोग करने के उपरांत आगे समस्या समाधान में सूझ के प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है। तो जब सुल्तान एक बार अपनी सूझ का उपयोग कर लेता है कि एक बार छड़ी से वह पिंजरे के पास केला ला पा रहा था, तो उसने दोबारा जो है अपनी सूझ का उपयोग बहुत जल्दी से कर लिया। उसकी संभावना जो है बढ़ गई थी कि दोनों अगर छड़ियों को संयुक्त कर दिया जाए तो केला
पिंजरे के पास आ जाएगा। इस तरह से अधिगम के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में मुख्य बिंदु जो है वो सूझ का विकास करना था, हमारी इनसाइट का डेवलपमेंट होना था। तो इसमें जो है सूझ को मुख्य रूप दिया गया है। वस्तुतः कोहलर एवं अन्य गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने समस्या समाधान जैसे उच्च स्तरीय अधिगम में बुद्धि एवं अनसंवेज्ञात्मक योग्यताओं की भूमिका को स्पष्ट कर दिया था। तो इस तरह से कोहलर और उनके साथियों ने कई तरह के समस्या समाधान के लिए बुद्धि और अन्य संज्ञानात्मक तथ्यों की योग्यता की भूमिका को स्पष्ट कर दिया था इन लोगों ने। फिर यर्कस के द्वारा 1927 में सूझ अधिगम के लिए कुछ विशेषताएं बताई गई थी। तो इसमें पहली विशेषता थी कि समस्यात्मक परिस्थिति का होना और उसका सर्वेक्षण करना जरूरी है, कि अगर आपके पास कोई समस्यागत परिस्थिति आ गई है तो आप उसमें सबसे पहले सर्वेक्षण करें, आप वहाँ पे देखें कि आपके पास उस परिस्थिति में क्या क्या उपलब्ध है। दूसरी विशेषता थी कि समस्यात्मक परिस्थिति के लिए उत्सुकता, पुनः शांत और एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। फिर आपकी प्रयास की अनुक्रिया होना बहुत जरूरी है। इसमें एक प्रयास में असफल होने पर अचानक दूसरी प्रयास की अनुक्रिया करना भी जरूरी है, कि अगर आप किसी एक प्रयास में सफल हो रहे हैं तो आप ये न करें कि आप बैठ जाएं वहाँ पे, उसके लिए आपको दूसरा प्रयास करना या दूसरी अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। फिर इन्होंने बताया, पांचवी विशेषता यह थी कि प्रायः लक्ष्य और समस्या समाधान के बीच में अवधान केंद्रित कर लेना चाहिए। फिर सातवीं इनकी विशेषता थी कि अनुकूल एवं उपयुक्त अनुक्रिया का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समस्यात्मक परिस्थिति के प्रमुख तत्वों के बीच में अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए। तो जो समस्यात्मक परिस्थिति है उसके प्रमुख तत्वों के बीच में आपको एक संबंध स्थापित करना आना चाहिए। आप इसके लिए आपकी सोच का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, आपकी सोच सक्रिय होनी चाहिए इसके लिए। फिर नाइन्थ विशेषता है कि सूझ अधिगम सिद्धांत जो था वो प्रैगनोस के सिद्धांत पर बेस था। इसके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया घटित होने के लिए प्राणी में मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तनाव और उन बलों के बीच असंतुलन का होना जरूरी है। प्राणी अधिगम प्रक्रिया के द्वारा वह तनाव को दूर करता है। तो इसके लिए जो है सूझ के सिद्धांत में प्रैगनोस का सिद्धांत आधार माना गया है। अब देखेंगे कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसमें शिक्षा का क्या प्रयोग किया गया है, शिक्षा के लिए ये कैसे उपयोगी है। तो इसका पहला पॉइंट है कि अवयवी से अवयव की तरफ, होल से पार्ट की तरफ चलना, मतलब कि पूरी समस्यात्मक परिस्थिति से हम समाधान की ओर चलेंगे। तो शिक्षक को किसी प्रकरण या उपप्रकरण, समस्या, चित्र आदि का प्रस्तुतिकरण आंशिक रूप से नहीं बल्कि एक संपूर्ण रूप से करना चाहिए। शिक्षक को यह चाहिए कि वह पूरे पाठ्यक्रम को उसके संपूर्ण रूप में जो है दिखाए बच्चों को। छात्र अंशु तंजेद को नहीं बल्कि संपूर्ण परिस्थिति या प्रकरण को पहले समझता है। शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय समस्या या प्रकरण के विभिन्न तत्वों के बीच में उपस्थित अर्थपूर्ण संबंधों पर जोर देना चाहिए, जैसे गणित में पूरी समस्या प्रस्तुत की जाए ना कि उसका सिर्फ एक खंड या सूत्र। तो इन्होंने ऐसे बताया है कि प्रकरण जो होना चाहिए या आप जो भी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षक द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, वो पूरा संपूर्ण रूप में प्रेजेंट होना चाहिए ना कि किसी एक तत्व के रूप में। जैसे कि गणित की पूरी समस्या बच्चे के सामने आनी चाहिए, छात्र के सामने आनी चाहिए, ना कि उसका कोई एक खंड या एक कोई एक सूत्र। दूसरा इसमें जो है शैक्षिक निहितार्थ है कि समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाई जाती है बच्चों के लिए। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत स्मरण या रहने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत जो है वो स्मरण की का विरोध करता है, कि हर एक चीज़ को रटा देना चाहिए।
शिक्षक के कक्षा में छात्रों को अपनी चिंतन शक्ति, सृजनात्मकता और का अवलोकन करना चाहिए और समस्या समाधान की योग्यताओं के प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो शिक्षक को यह चाहिए कि वह अपने छात्रों को चिंतन की शक्ति प्रदान करे, सृजनात्मकता के लिए अवलोकन की क्षमता प्राप्त जो है दे और समस्या समाधान की योग्यता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करे। छात्रों को उद्देश्यपूर्ण खोजपरक एवं सृजनात्मक अधिगम के अवसर मिलने चाहिए कि बच्चे जो है उद्देश्यपूर्ण काम कर सकें, एक खोजपरक जो है व्यवहार कर सकें और सृजनात्मक अधिगम कर सकें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या, कब की जगह क्यों और कैसे का महत्व उन्होंने दिया है कि क्या और कब हुआ इसकी जगह पे उन्होंने बताया है, क्यों और कैसे हुआ इसकी महत्ता ज़्यादा है। कक्षा में शिक्षकों के द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, विश्लेषणात्मक विधि, समस्या समाधान विधि इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो उन सारी विधियों का उपयोग करना चाहिए। इन विधियों के द्वारा कक्षा छात्र छात्रों में बुद्धि, सृजनात्मकता और कल्पना, तर्क शक्ति, समस्या समाधान की योग्यता बढ़ती है और उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं में भी विकास होता है। तीसरा शैक्षिक निहितार्थ है कि एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच लगती है। पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों के बीच अर्थपूर्ण संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी विषयों एवं क्रियाओं के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो बच्चों को जो पढ़ाया जाना है या उनके लिए जो पाठ्यक्रम डिसाइड होना चाहिए उनके हर एक विषय और हर एक क्रिया के बीच में एक संबंध होना चाहिए, एक समन्वय स्थापित होना चाहिए। यह सिद्धांत जो है अनुभव के संगठन एवं पूर्णता पर बल देता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षार्थी के अनुभवों को पुनर्संगठित करने में सहायता देनी चाहिए। फिर इसका चौथा शैक्षिक निहितार्थ था अभिप्रेरणात्मक पक्ष, मोटिवेशनल एस्पेक्ट, मतलब कि बच्चे को लगातार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न करानी चाहिए, उसकी रुचि को उत्पन्न कराना चाहिए ताकि वह बार बार प्रयास कर सके। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को तब तक प्रोत्साहित करते रहना चाहिए जब तक कि उसकी सूझ के द्वारा समस्या का हल ना निकल सके। तो बच्चा जिस समस्या में है उसके लिए शिक्षक ही उसे प्रोत्साहित कर सकता है ताकि वह बच्चा अपनी सूझ के द्वारा उस समस्या का हल निकाल सके। छात्र को प्रत्येक कक्षागत क्रिया के विशिष्ट उद्देश्य से पूर्ण रूपेण परिचित कराना चाहिए और शिक्षक को अपने छात्रों एवं काल लक्ष्य एवं संबंधित चरों के बीच में अर्थपूर्ण संबंध विकसित कराने में मदद करनी चाहिए। तो शिक्षक को चाहिए कि छात्र के द्वारा जो अर्थपूर्ण संबंध है उसमें जो है मदद करनी चाहिए कि ताकि बच्चे हर एक चीज़ के बीच में संबंध स्थापित कर सकें। शिक्षक को अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ कर कराना चाहिए। तो शिक्षक जो है जो पढ़ाने जा रहा है उसको यह चाहिए कि बच्चे के पास जो पहले से नॉलेज है, जो ज्ञान है, उससे कनेक्ट करके, उससे संबंध स्थापित करके तब वह अपने पाठ को पढ़ाए ताकि छात्र उसमें रुचि ले सकें और उसमें जो है अपना ज़्यादा योगदान दे सकें। इस विधि में यह विधि जो है कठिन विषयों के लिए की जाती है जैसे गणित, विज्ञान आदि के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। या इसके बाद है कि गणित का नया प्रश्न हल करने के लिए छात्र अपनी सूझ द्वारा सूत्रों या तरीकों का प्रयोग करता है। तो गणित विषय के लिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा अपनी सूझ का उपयोग करता है इसमें। तो ये पूरा था गेस्टाल्टवादियों का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। ये आपका ऑफिशियल चैनल है बीएड करिकुलम जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं।